जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जैसा सर्वविदित है कि सब जेल के दरवाजे खुल गए और भगवान गोकुल चले गए, तो आज का दिन हम इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलदाव के साथ, बलदाव जी के साथ राजा कंस का यह वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो ये जो हम पर्व मनाते हैं, ये पर्व जो है वो बुराई पर एक अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और क्योंकि मथुरा नगरी यहाँ पर चतुर्वेदी ही उस समय के वासिंदे हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ मिलकर के बलराम जी के साथ राजा कंस का वध किया। तो उसी परंपरा को, क्योंकि पहले ज़माने में बंदूक तमंचे तो थे नहीं, लाठियाँ थी और लोग दंड बैठक मारते थे तो कुश्तियों की लड़ाई थी, तो उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए हम चतुर्वेदी समाज के लोग, ये केवल मथुरा में निकाला जाता, कहीं और भी निकाला जाता देश विदेश? नहीं, ये मेला मथुरा ही में होता है। हालांकि हमारे कुछ चतुर्वेदी बांधव इसको दुबई में भी मनाते हैं, कभी बम्बई में भी, परंतु ये प्रमुख मेला सिर्फ मथुरा का ही है, क्योंकि मथुरा ही राजा कंस की नगरी थी। तो आज उसी वेशभूषा में, उसी परंपरा में हमारे भारतवर्ष के सभी और जो भी विश्व में चतुर्वेदी रहते हैं इकट्ठे होते हैं, और उसी प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए कंस वध कंस किले में होता है। उसके बाद हम ये प्रोसेशन ले जाते हैं विश्राम घाट में, जहाँ भगवान कृष्ण बलराम ने विश्राम किया और उसके बाद में यमुना जी की आरती होती है। तो द्वापर युग से चतुर्वेदी समाज इस परम्परा को निर्वाह करते चले आ रहे हैं।